हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज मैं थोड़ी अलग जगह पे हूँ क्योंकि मैं अपने कॉलेज में आई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं काफ़ी टाइम बाद अपने कॉलेज में आई हूँ, मतलब ऑटम ब्रेक्स के बाद, दिवाली के बाद अब जा कर के आई हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप पे कुछ काम बढ़ता जा रहा है और उसमें ऐसा है कि मेरी गलती है, मैंने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया अपने फ्रेंड्स को। और देखो आज कॉलेज का दिन कैसे दिखता है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज में कुछ प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप बनाए गए हैं और मेरे को भी किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ मैं, और मेरी फ्रेंड्स की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी अगर मैं कहूँ, क्योंकि मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था मेरी प्रॉब्लम के बारे में। बट जैसा कि आपको पता है कि मेरी मम्मी की तबीयत जो है वो काफ़ी टाइम से ख़राब थी, और फिर उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद सर्जरी के बाद थोड़ा उन्हें ध्यान रखना था, इसी वजह से मेरा कॉलेज आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पहली बात तो मेरे को ये बात इसीलिए कहनी थी क्योंकि ये व्लॉग नहीं है, मुझे बस अपने दिल की बात करनी थी। अभी क्लास होने में आधा घंटा है तो मैं सोचा कह लेते हैं, कॉलेज से अच्छा जगह कुछ नहीं होगी। मेरा कॉलेज आने का ना सच में मन नहीं करता, मैं बताऊँ क्यों। पहला तो इसलिए कि मेरा कॉलेज बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब अगर मैं मेट्रो से आती हूँ तब भी मुझे 1.5 घंटा लगता है, और अगर मैं बस से आती हूँ तो मुझे 2 घंटा लगता है, ठीक है। और दूर होने की वजह से मुझे वो ट्रैवलिंग का जो सफ़र है ना वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है, और मैं इस वजह से अपना कॉलेज स्किप कर देती हूँ हमेशा, यही आलस के मारे कि भाई अब कौन जाए, इतना पहले तैयार हो और फिर उसके बाद इतना तैयार होगा, मतलब तैयार होती भी नहीं ज़्यादा, बट उसके बाद ट्रैवलिंग करो, उसके बाद कॉलेज पहुँचो। कॉलेज भी मेरा दूर होने की वजह से मैं अगर यहाँ से 2 बजे निकलती हूँ अपनी क्लासेस के बाद तो मैं घर 4-5 बजे पहुँचती हूँ, क्योंकि छुट्टी के टाइम मैं मेट्रो से आती हूँ कि मैं अपनी क्लासेस टाइम पे ले सकूँ, और बस से मैं जाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेट्रो का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और रोज़ रोज़ नहीं अफोर्ड होता है, पेरेंट्स करते हैं बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर बस फ्री है दिल्ली में तो फिर मैं सोचती हूँ उसका फ़ायदा उठाया जाए। और दूसरा ये कि यही सबसे बड़ा कारण है मेरे कॉलेज ना गैप में आते हो ना, क्योंकि तो फिर क्या होता है, फ्रेंड्स भी मूव ऑन हो चुके होते हैं, मतलब कि उन्हें लगता है कि आप, मैं तो ज़्यादा आती नहीं हूँ, और फिर उसके बाद मेरा काम भी जो है नोट्स वगैरह भी इनकम्प्लीट रहते हैं, बुक्स मेरे पास होती है, मैं घर पर से टाइम निकाल के पढ़ती हूँ, बट फिर भी उतना अच्छा नहीं लगता। पहले जब मेरा रेगुलर कॉलेज हुआ था तो मुझे लगता था कि मैं रोज़ कॉलेज जाऊँ, तो इस वजह से फ्रेंड्स भी ना थोड़ा बहुत आप में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, उनकी गलती नहीं होती है, वो हमारी गलती होती है। और इसके बाद मैं, पता है कब से मेरा रेगुलरिटी छूटा है, जब से ये हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे उसके बाद मेरा आना थोड़ा कम हो गया था, मैं उससे पहले रोज़ आती थी, रोज़ मतलब हफ्ते में मैं 4-5 दिन तो आई जाती थी। फिर क्या हुआ कि थोड़ा मुझे भी आलस आने लग गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद बैंकिंग की कोचिंग हो गई। बैंकिंग कोचिंग में होता था कि मेरे को समझ नहीं आता था कि टाइम कहाँ दूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका रेगुलर कॉलेज है और आप मेरी तरह स्टूडेंट है, मतलब आई एम नॉट वो वाला स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर है और उसका दिमाग 4 दिशाओं में चलता है, ऐसा है तो ठीक है, अगर आप मेरी तरह हैं जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके नंबर आ जाते हैं और मेहनत करने से आते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा तो नहीं, 10 बार उसको करते तो ही, तो आप प्लीज़ अपने साइड में कोई भी ऐसा कोर्स ना लें, और अगर उसका टाइम आपके मतलब कॉलेज से या किसी भी चीज़ से मैच करता हो तब तो बिल्कुल ही ना लें। जैसे कि गलती मैंने की, मैंने मेरा बैंकिंग का कोचिंग जो था वो मेरे कॉलेज की टाइमिंग के पास ही था, और मैंने अपने कोचिंग की टाइमिंग चेंज भी नहीं की, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज में कुछ नहीं होता है, तुम फालतू में जाते हो। जैसे कि आज उन्होंने सुबह भी कहा कि बस तुम्हें क्या करना है, कॉलेज आना है, कॉलेज में कुछ होता तो है नहीं। यार ऐसा नहीं होता है, पता नहीं पेरेंट्स को समझ के नहीं आता कि कॉलेज में पढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा। अभी देखो मेरे को कितनी ज़्यादा मुश्किल आ गई है यहाँ पे, और तो आप ना अपने, या तो आप अपने अदर सब जो आप कोचिंग ले रहे हो उसकी टाइम अलग रखो और अपने कॉलेज की टाइम अलग रखो, और अगर आपको दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हो तो वेल डन है, वरना मैं तो इसी वजह से फंसी और बैंकिंग वजह से भी मेरा आना छूट गया। बैंकिंग क्लासेस ख़त्म हुई तो फिर मम्मी की सर्जरी हुई, मम्मी की सर्जरी के बाद
फिर दिवाली आ गई, फेस्टिवल्स आ गए, उसके बाद और भी चीज़ें जो कि हम बहाने कह सकते हैं वो होते गए। तो आज के दिन मैं फाइनली अपने कॉलेज आई हूँ और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आपको कॉलेज दूर मिल रहा है ठीक है तो आप कभी मत लेना, आप उसके आसपास या तो पीजी वगैरह ले लो, और अगर नहीं ले सकते तो दूर कॉलेज तो मत ही लेना, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप ही फंस जाते हो, अच्छे तरीके से आप फंस जाते हो, और जब आप फंस जाते हो ना तो कुछ नहीं होता, फिर ऐसे ही बैठे होते हो और टाइम से पहले आके बैठे होते हो, क्योंकि आपको पता है कि आज आपको कैसे कैसे सबसे डील करना है, और आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है मुझे चैलेंज वीडियो बनाना चाहिए कि मैं रेगुलर कॉलेज आने का मैं रोज़ एक शॉट डालूँ, ताकि मुझे भी को कि मैं रोज़ कॉलेज जा रही हूँ, और बस यही मुझे कहना था। मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं अपनी दिल की बातें ना सिर्फ फ़ोन पे कह सकती हूँ, बाकी किसी से नहीं कह सकती हूँ, और बस फिर यहीं तक था ये। कुछ अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी तो मैंने कुछ ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ बनाया नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता मैं इसे अपलोड भी करूँगी कि नहीं करूँगी, और बाय बाय।